सुबह उठ के जब मौसम देखे ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज है मुहर्रम का फर्स्ट डे, मतलब इस्लामिक जो ईयर होता है ना उसका पहला दिन। तो हम सोचे क्यों ना इसको थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाया जाए, जैसे न्यू ईयर मनाते हैं, बंगाली नववर्ष मनाते हैं उस तरीके से। तो घर पे था दूध, 1 किलो दूध, तो उसको हमने चढ़ा दिया है, अच्छे से उबाल रहे हैं। और साथ में बहुत दिनों से मखाना रखा हुआ था, बहन देके गई थी, तो सोच रहे थे कि चना के दाल देके बनाएंगे, पर ऐसे मौका मिल नहीं रहा था। तो हम सोचे क्यों ना मखाना देके खीर बना लिया जाए। तो दूध अच्छे से उबल गया था और दूध में ना हमने इलायची और घी को गर्म करके डाल दिया था। उसके बाद अच्छे से उबाल आने के बाद चावल भी हमने डाल दिया है। ये चावल था खीर का, जो चावल होता है ना वही चावल था। तो उस पर डाले हैं हमने किशमिश और कटा हुआ नारियल और था चना भीगा हुआ। अगले दिन भीगा था, थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें गजा आ गया था, कांच लगाने वाला। तो माँ बोल रही थी खा ले, विटामिन सी रहता है इस पर। तो हम सोचे मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाने के लिए, तो हम दे दिया है, क्योंकि जब घर के लोग खाएंगे, बाहर के लोग तो कोई खाएंगे नहीं, तो हमने डाल दिया। तो अच्छे से पक गया था चावल, उसके बाद डाल दिए थे मखाना और लास्ट में डाल दिए थे चीनी। मुझे ना जब भी हम खीर बनाते हैं, मुझे बहुत पहले की एक बात याद आ जाती है, मुझे खीर बनाना नहीं आता था शादी के बाद। बट मेरे बर्थडे वाले दिन हमने बनाया था, हस्बैंड भी मेरे साथ थे, और उस टाइम पे ना हमने चीनी पहले डाल दिया था, चावल बाद में डाले थे। तो उस टाइम पे ना मेरा चावल गला ही नहीं था, पूरा कच्चा का कच्चा रह गया था। तो खीर बन के हो गया है तैयार, पहले खा चख के देखते हैं कैसा था। और बहुत टेस्टी बना था और घर के सारे ने खाया है। साल का पहला दिन मुंह मीठा के साथ। किट्टू को माँ ने ना कोई चिप्स का पैकेट दिलाया था, तो उसके अंदर से गिफ्ट निकला, एक छोटू शरी जो उसके हाथ में पहन लिया था वो, और बहुत प्यारा लग रहा था। बोल रहा था मम्मा फोटो खींचो, हम बोले चलो खींच लेते हैं, अच्छा भी लग रहा है पूरा गोल्ड के जैसा। चलो चलो आके दिखा दो, आके दिखा दो। तो हमने उसको बोला है कि आने के बाद दिखा दोगे, क्योंकि माँ उधर खाना बना रही थी और हम इसको अंदर से तैयार करके इधर से निकाल दिए थे। मेरा भाई गया है जुमा पढ़ने के लिए, इसका भी जिद था कि वो जाएगा जुमा पढ़ने। और किट्टू का लाइफ का ये फर्स्ट जुमे का नमाज है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा पहला जुमा पढ़ने जा रहा है, वो भी साल का पहला दिन। और मेरा भाई भी आ गया, इसके साथ ना किट्टू का बिल्कुल नहीं पटता है। तो जो मेरा मझला भाई है उसके पास हमने भेज दिया है, वो अंदर है, जबकि हम मस्जिद के अंदर नहीं गए हैं और जाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आ गए थे बुआ से मिलने के लिए, बुआ के पैर में था थोड़ा सा दर्द। और थोड़ा देर बाद किट्टू भी आ गया उसके मामा के साथ, क्योंकि वो अंदर रहना ही नहीं चाह रहा था, वो अल्लाह के आ रहा है छोड़ने के लिए। क्यों आ गए? हाँ ध्यान से, कहाँ कहाँ जाओगे? नहीं पढ़ने जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो। जब हम लोग गए थे तब एकदम सूखा था, और वहाँ पे बुआ के घर से निकलने वाले थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। फिर बुआ निकाल के हम लोगों को एकदम रास्ते तक छोड़ के गई, इसको गोदी लेके, जबकि उनके पैर पे दर्द था, फिर भी छोड़ के गई रास्ते तक। और देखो बारिश के चलते अपना ड्रेस को किस तरीके से पकड़ के लेके आ रहा है घर, और जाने के लिए भी वो जंप लगा रहा है। तो आ गया था हम लोगों का दोपहर का लंच, उसमें था फिश करी, फिश फ्राई, और था मछली का, मतलब फिश का जो अंडा होता है उसका भुजिया था, और था कदोरी का भुजिया। खाना बहुत यम्मी यम्मी। अपना गंजी दिखाओ, खड़े हो। किट्टू जो टी शर्ट पहन रखा है ना, वो उसमें ना उसी का ही बचपन का फोटो प्रिंट किया हुआ है, जो उसकी दादी ने भेजा है पंजाब से। तो चल रहा है शाम का पानी पूरी का पार्टी, हर रोज़ यहाँ पे पानी पूरी आ जाता है किट्टू के लिए, किट्टू का फेवरेट भी है। और
उसके चलते हम लोग भी खा लेते हैं हर रोज, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। उसके बाद बात करते करते हो गया था रात। रात में आज घर पे खाना नहीं बना था, आया था बिरयानी सबके लिए। तो ये था चिकन भुना या फिर मटन भुना, ऐसा कुछ था जो हम खाए नहीं हैं और इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे ना इस टाइम पे जैसे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है ना, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है, तो बहुत थोड़ा सा बस ना के बराबर हम खा लेते हैं। हम तो चिकन बिरयानी का चिकन तक नहीं खाए थे, वो भी हमने उठा दिया था कि मुझे नहीं खाना। एक आलू और एक प्लेन अंडा और थोड़ा सा भात लेके हम खा लिए थे किड्डू और हम, थोड़ा सा। बाकी बोले कि मुझे नहीं खाना। माँ बोल रही थी एक प्लेट बिरयानी, वो भी नहीं खाया जाता। हम बोले अब नहीं खा सकते, मेरी छाती में बहुत जलन होता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह उठ आँख खुला है तो बारिश स्टार्ट, मतलब अगले दिन जो बारिश हो रहा था ना, नेक्स्ट डे बारिश हो ही रहा है कंटिन्यू। तो आज का दिन मुझे नहीं लगता कि बारिश छूटने वाला है, जिस तरीके का वेदर लग रहा है ना। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। अगले दिन भी डॉक्टर के पास गए थे, उसका भी ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाए हैं, कुछ दिनों से बहुत तबीयत ख़राब था। एक्चुअली मेरा WBC फिर से बढ़ गया है, तो अगले दिन आप लोगों को रिपोर्ट भी लाने जाएंगे तो दिखाएंगे। डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, USG करवाना है, और उसके बाद फाइनल डिसीजन डॉक्टर बताएगा कि कब तक क्या हो सकता है। बस आप लोग दुआ करें हमारे लिए। और आज के फुटेज में हम बिल्कुल नहीं दिखे हैं ना, क्योंकि मेरा हालत उस तरीके का है नहीं कि हम दिखा सकें। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कोशिश करेंगे जल्दी देने का। बाय बाय।